कि अगर हाईवेज पे आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको पकड़ने के लिए इस तरह की गाड़ियां पुलिस वाले लेकर घूमते हैं, जिसे इंटरसेप्टर व्हीकल कहते हैं, और इन्हीं की मदद से पुलिस वाले आपको ओवर स्पीडिंग का चालान काट देते हैं। ऐसे आखिर ये इंटरसेप्टर व्हीकल काम कैसे करती है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल एक इंटरसेप्टर व्हीकल में रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस लगा होता है जो पीछे से आ रही गाड़ियों की स्पीड पे नजर रखती है। इनमें लगे HD कैमरा किसी भी कार की इमेज को 200 से 700 मीटर दूर से ही कैप्चर कर लेती है। इस डिवाइस में लगे रडार से एक रेडियो वेव निकलती है जो रोड में चल रही गाड़ियों से टकराकर वापस आती है। अब इन वापस आने वाली वेव्स कितनी स्पीड से और कितनी फ्रीक्वेंसी में आती है उसी को कैलकुलेट करके ये कार की स्पीड को पता करती है। अगर कोई व्हीकल ओवर स्पीड में होती है तो उसकी इमेज ये क्लिक कर लेता है और उसका चालान बन जाता है। और इन मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्निकल मैन की जरूरत होती है जो पुलिस डिपार्टमेंट का ही होता है।